नमस्कार और स्वागत है आपका इंडियन रियल्टी वायर्स के बिल्कुल नए एपिसोड में। और आज हम रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS के बारे में जानेंगे कि आखिर क्या है RRTS, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, RRTS का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके प्रस्तावित रूट्स कौन कौन से हैं, और लास्ट में जानेंगे इस पे एक विशेष जो जुड़ा होगा इसके फैक्ट्स और USP से। तो कहीं मत जाइए, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो स्क्रीन के ठीक नीचे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए रेड आइकन या बेल का आइकन अभी क्लिक करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी एज सब्सक्राइबर मिलती रहे। आते हैं आज के टॉपिक पर। गाजियाबाद में दिल्ली मेट्रो के स्टेशन की वीडियो के समय हमने आपको वादा किया था कि जल्दी ही हम आपके पास RRTS से जुड़ी ढेर सारी जानकारी लेकर आएंगे, और आज वो दिन आ गया है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानेंगे क्या है RRTS, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। एक बिल्कुल नया डेडिकेटेड हाई स्पीड और हाई कैपेसिटी वाला बहुत आरामदायक पब्लिक कम्यूटर सर्विस है जो NCR में रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, यानी कि आसपास के स्टेट्स या रीजन से NCR की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा RRTS। RRTS को इंडियन रेलवेज की तरह लेकिन उससे अलग प्रपोज किया गया है, जो ज़्यादा रिलायबल, हाई फ्रिक्वेंसी और रेलवे से ज़्यादा स्पीड पर पॉइंट टू पॉइंट रीजनल ट्रैवल एंश्योर करेगा। अब समझिए, इसे सिर्फ और सिर्फ रीजनल ट्रैवल के लिए ही डेवलप किया जा रहा है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये दिल्ली या नोएडा मेट्रो कॉरिडोर जैसा होगा, तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। RRTS मेट्रो से भी अलग होगा। इसका रूट मेट्रो जैसा डेडिकेटेड जरूर होगा, लेकिन ये उन पैसेंजर के लिए होगा जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना चाहते हैं और वहाँ से वापस भी आना चाहते हैं। RRTS के फॉर्मेशन की बात करें तो नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी NCRTC के तहत RRTS को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें सेंटर और स्टेट का इक्वल पार्टनरशिप है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ncrtc.in पर आपको सभी जानकारी मिल सकती है। NCRTC का ऑब्जेक्टिव इसके विजन से ही क्लियर होता है, जो फास्ट, रिलायबल, सेफ, कंफर्टेबल, एफिशिएंट और एक फेयर के साथ साथ सस्टेनेबल मोबिलिटी सॉल्यूशन देने के लिए बनाया गया है। NCRTC का ऑब्जेक्टिव साफ है कि दिल्ली NCR और आसपास के रीजनल सेंटर्स को रैपिड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए, यानी उनको फास्ट ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जोड़ा जाए, और वो भी फाइनेंशियली वाइबल सॉल्यूशन। प्लानिंग कमीशन ने 2005 में एक टास्क फोर्स बनाई थी जो चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंडर थी, और उसका पर्पस था दिल्ली NCR में मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम डेवलप करना। चलिए अब जरा आते हैं RRTS के प्रपोज्ड कॉरिडोर्स पर या रूट्स पर, जो आज के एपिसोड की जान है। इसी टास्क फोर्स ने ऐसे 8 कॉरिडोर्स आइडेंटिफाई किए जिनसे रीजनल सेंटर्स को जोड़ना है। जी हाँ, एक दो नहीं, पूरे के पूरे 8 कॉरिडोर्स सजेस्ट किए गए हैं। इन कॉरिडोर्स को दो फेज में बांटा गया है, जिनमें से फेज़ 1 में केवल 3 कॉरिडोर हैं और फेज़ 2 में 5 कॉरिडोर्स बनाने हैं। अगर फेज़ 1 के कॉरिडोर्स की बात करें तो इसमें पहला कॉरिडोर है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ का, दूसरा कॉरिडोर है दिल्ली गुड़गांव रेवाड़ी अलवर का, और तीसरा कॉरिडोर है दिल्ली सोनीपत पानीपत का। फेज़ 1 के इन कॉरिडोर्स में से सबसे पहला दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर 82 किलोमीटर लंबा है। इसके बाद दिल्ली गुड़गांव अलवर कॉरिडोर जो 180 किलोमीटर है, और तीसरा कॉरिडोर है दिल्ली सोनीपत पानीपत का जो लगभग 111 किलोमीटर लंबा माना जा रहा है। अब आता है फेज़ 2। इस फेज़ में 5 कॉरिडोर बनने, जिसमें से पहला कॉरिडोर है गाजियाबाद हापुड़ का, दूसरा है गाजियाबाद खुर्जा का, तीसरा कॉरिडोर है दिल्ली बल्लभगढ़ पलवल का, चौथा कॉरिडोर है बागपत यानी दिल्ली से बागपत का, और पाँचवा और आखिरी कॉरिडोर है दिल्ली से रोहतक का। अगर इन रूट्स के लंबाई की बात की जाए तो गाजियाबाद से हापुड़ 57 किलोमीटर का, गाजियाबाद से खुर्जा 83 किलोमीटर का, दिल्ली टू पलवल 60 किलोमीटर लंबा है, दिल्ली से बागपत का कॉरिडोर 56 किलोमीटर, और दिल्ली से रोहतक का कॉरिडोर 70 किलोमीटर लंबा होना है। सबसे पहले दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर काम शुरू हुआ है। मार्च 2010 में NCRPB यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड ने मेसर्स दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम को दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम डेवलप करने का जिम्मा सौंप दिया। फेज 1 में जो बाकी के दो रूट्स हैं उनमें से दिल्ली पानीपत रूट को भी सेम कंपनी डेवलप करेगी। इसके अलावा तीसरे रूट यानी दिल्ली से अलवर को अर्बन मास ट्रांजिट कंपनी लिमिटेड डेवलप करेगी। बाकी के रूट्स के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट का वेट किया जा रहा है, साथ ही साथ इसके फंड्स की भी व्यवस्था की जा रही है। इनके बारे में लेटेस्ट जानकारी हम आपको आने वाले एपिसोड्स में देते रहेंगे। अब बारी आती है RRTS के बेनिफिट्स की, यानी कि आखिर RRTS से फ़ायदा क्या होगा।
सबसे पहले आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इससे रीजन में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी कि कनेक्टिविटी बढ़ने से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी रीजन में इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट होने से नए डेवलपमेंट होते हैं और नए डेवलपमेंट से किसी भी सेक्टर या किसी भी रीजन की ग्रोथ होती है। इसके अलावा उस रीजन के साथ साथ आसपास के रीजन्स पे भी इसका इम्पैक्ट होता है। लोगों को इन्वेस्टमेंट के नए ऑप्शन मिलते हैं, लोगों के पास नए जॉब ऑप्शंस आते हैं और लगभग आसपास के रीजन्स को भी एक इकोनॉमिक ग्रोथ मिलता है। जॉब्स एंड फैसिलिटीज़, RRTS के आने से न्यू मार्केट वेन्यू ओपन होंगे और लोग बिना माइग्रेट हुए कम समय में ऑफिस और घर तक आ जा सकेंगे। नए इन्वेस्टमेंट से, नए बिजनेस से नए जॉब्स क्रिएट होते हैं, नए मॉड्यूल्स क्रिएट होते हैं जहां लोगों की ज़रूरत होती है और उन्हें जॉब्स मिलती हैं। तीसरा पॉइंट है इसका कॉस्ट और समय की बचत, यानी कि ट्रैवल करने वालों को वर्ल्ड क्लास कोचेज में, एसी कोचेज में ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, वो भी बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट पे, जो कहीं और दिल्ली में रहते हुए तो नहीं मिलना। इसके अलावा दिल्ली में रहने का अपना एक कॉस्ट है, एक लिविंग कॉस्ट है जो काफ़ी हाई है। अगर लोग अपने रीजनल लोकेशन से दिल्ली या आसपास के शहरों में आ जा सकते हैं तो ये उनके लिए फिर भी एक किफ़ायती मौका होगा। यानी देखा जाए तो RRTS से कॉमन पब्लिक को समय और पैसे दोनों बचाने का मौका मिलेगा। अगला पॉइंट है रोड कंजेशन से मुक्ति। लेकिन मानिए रोड का ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ऐसे में RRTS सेफ, तेज और ज़्यादा दूरी तक ट्रैवल करने वाली सेवा देगा। इससे रोड पर ट्रैफिक भी कम होगा और आपको बिना धूल मिट्टी के ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। अगला पॉइंट है हमारा रोड से सुरक्षा। लेकिन मानिए ट्रैफिक पे बढ़ते दबाव से रोड एक्सीडेंट की बातें किसी से छिपी हुई नहीं है। आज के डेट में अगर आप बिना रोड पर ट्रैवल किए कम्यूट कर ले रहे हैं तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। ऐसे में RRTS लोगों को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक आरामदायक सर्विस देगा, जो हर मामले में सुरक्षित यात्रा होगी और रोड से तो अच्छा ही होगा। इसके अलावा आखिरी पॉइंट है लो एनर्जी कंजम्पशन एंड इमिशन। जी हाँ, RRTS इलेक्ट्रिक मॉडल पर रन करेगा जिससे लिमिटेड पावर कंजम्पशन में मैक्सिमम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकेंगे और इससे बहुत बड़ी मात्रा में फॉसिल फ्यूल या ईंधन की बचत होगी, जो ज़्यादातर लोग अपने पेट्रोल डीजल में खर्च कर जाते हैं। कहीं ना कहीं इसका असर एनवायरनमेंट पे भी होगा, क्योंकि इससे पॉल्यूशन कम होगा। अगर रोड पर ट्रैफिक कम होगा, कारें कम चलेंगी, तो इसमें पॉल्यूशन भी कम होगा और इसका फ़ायदा एनवायरनमेंट को मिलेगा, इससे इमिशन भी कम होगा। RRTS की स्पीड की बात करें तो इसकी डिज़ाइन 180 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के लिए तैयार की गई है। ऑफिशियल ऑपरेशनल स्पीड इसकी 160 किलोमीटर पर आवर की है और एवरेज स्पीड इसकी 100 किलोमीटर पर आवर की मानी जा रही है, यानी कि एक घंटे में RRTS 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकता है। अगर इसे नॉन स्टॉप चला जाए तो ये 150 से लेकर 160 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे परफॉर्मेंस दे सकता है, जो नॉर्मल मेट्रो यानी दिल्ली या नोएडा में चलने वाली मेट्रो से 3 गुना ज़्यादा है। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले आज का इन्फॉर्मेशन पंच आपको बता दें जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि NCRTC में सेंटर और स्टेट का इक्वल शेयर है, यानी सेंटर का 50% शेयर है और बाकी के स्टेट्स यानी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान का 12.5% का इक्वल शेयर है, जो मिलकर 100% बनता है। लेकिन सेंटर के इस 50% शेयर में भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का 22.5%, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का भी 22.5% और NCR प्लानिंग बोर्ड का 5% का शेयर है। यानी कि ये स्टेट और सेंटर के इतनी सारी बॉडीज़ मिलके RRTS को डेवलप कर रही हैं। जाने से पहले हम आपको फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।